किस मॉडल से बना है, ये भी हम लगातार आपका बता रहे हैं, थोड़ा एविडेंस कठिन है। पुलिस एक्ट तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका, हाँ, पुलिस एक्ट में ही बता दिया जाए, जो सेक्शन 47 है उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, और पैरा से आपका 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। तो पैरा भाई छांट कर ही पढ़ाया जाएगा, 250-300 पैरा पढ़ा जाता है, और उसी में से लगभग आ ही जाता है क्वेश्चन। तो आइए, एविडेंस एक्ट में आपका काफ़ी गहराई से इस समय क्वेश्चन बन रहा है, तो एविडेंस एक्ट में जो पढ़ाया जाएगा भाई, आप लिखना चाहें तो एक एक आपका छोटी छोटी बातें लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन लेक्चर में आपका ज़्यादा एरिया कवर होती है। देखिए, हम क्या बताए थे, पहला हम बताए थे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताए थे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बना, तो उस समय अंग्रेजों का शासन काल था, तो वर्तमान समय में यह कानून भारत में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो फिर वही 8 के लिए याद करना है, 372। 1872 के पहले क्या स्थिति थी, तो हिंदू हिंदूविद द्वारा और मुस्लिम मुस्लिमविद से शासित होते थे, ये याद रखना है। 1872 के पहले आपका उत्तराखंड में बताया गया, इतिहास हम बता रहे थे एविडेंस का, कि सर्वप्रथम जो ड्राफ्ट या मसौदा या प्रारूप तैयार किया गया था एविडेंस का, वह सर हेनरी मेन द्वारा किया गया था 1868 में। ये पूछा गया उत्तराखंड में कि सर्वप्रथम साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट या खाका किसने तैयार किया था, तो कई लोग नहीं जानते थे, स्टीफेन मार्कर आए, स्टीफेन ने नहीं, सर हेनरी मेन ने। इनके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल यह नहीं था। पुनः आपका सौंपा गया कार्य अंग्रेजी सरकार द्वारा सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफेन को, और आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनता है। पहला, जो वर्तमान साक्ष्य नियम हम पढ़ रहे हैं, इसका ड्राफ्ट करता कौन था, अभी बिहार जे में ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है रिपीट कर दे, तो स्टीफेन पूरा नाम है, सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफेन। उत्तराखंड सन बना दिया था कि किस सन में एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया था, तो वह 1870 यानी कि 1870 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जब ड्राफ्ट बन गया, तो आपका हमारे माने उस समय की गवर्नर जनरल की परिषद ने इस विधेयक को पास किया होगा, फिर गवर्नर जनरल ने एसेंट दी होगी, और फिर याद रखना है इस पर निर्माण की तिथि। तो मैं कल भी बताया था, फिर एक बार बता दूं कि जिस तारीख को गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर एसेंट या अनुमत प्रदान करते हैं, वही तारीख जो होती है आपका उस कानून के निर्माण की तारीख कही जाती है। तो किस तारीख को निर्माण हुआ, तो वह डेट याद रखनी है, 15 मार्च 1872, यानी कि 15 मार्च 1872। फिर जब ये कानून बन गया, तो इसमें आपका मैंने भाग, अध्याय और धाराएं बताई गई थी, इतना अभी आपका मैंने जो कल बताया गया था, इतनी चीज़ें आपका बताई गई थी। इसके बाद अब आइए, छोटी छोटी बातें लेकिन क्वेश्चन आपका बनता है, छोटी छोटी बातों में जो बन रहा है इस समय, कौन सा एविडेंस का अध्याय सबसे बड़ा है, तो आप अध्याय 2 मार कर आइएगा कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो अध्याय 2 सेक्शन 5 से लेकर 55 तक, इसमें क्या दिया गया है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगत के विषय में।
आगे बताया जाएगा सुसंगत मतलब क्या हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, सबसे छोटा अध्याय कौन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो अध्याय 11 है, केवल एक सेक्शन है 167। इसके बाद आ जाइए साक्ष्य अधिनियम को आगे बढ़ाया जाए, छोटी छोटी बातों को निरसित धारा या रिपील सेक्शन। पिछली बार UPAPO में 2018 में आया भी था कि एविडेंस की धारा 2 को और इसके साथ जो शेड्यूल था उसको रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आया आपका UPAPO में ही कि किस सन में समाप्त किया गया, तो 1938 में। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको पकड़ना है कि आपका वह क्वेश्चन ये है कि प्रथम संशोधन साक्ष्य अधिनियम में किस सन में किया गया, तो 1938 में। आ सकता है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन अभी बना नहीं है, ऐसा मॉडल बन रहा है। जय प्रथम संशोधन आपका एविडेंस में कब किया गया, तो वह आपका जवाब रहेगा 1938 में। क्या किया गया, तो आपका सेक्शन 2 और शेड्यूल को रिपील किया गया। रट कर जाइएगा, तो दोनों आपका और क्वेश्चन याद रखना है कोरिलेट करके। CRPC में प्रथम बार संशोधन कब हुआ, तो 1978 में, 1978 में। और आपका पूछ ले IPC में पिछली बार जे में पूछा गया था कि IPC में फर्स्ट बार अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1870 यानी कि 1870 ईस्वी में, पिछली बार यूपी जे में आ चुका है। भाई कौन कहाँ आया है ये भी लगातार बताया जा रहा है। अब आपका GS में संविधान में पूछा जाता है कि प्रथम बार संशोधन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में, 1951। तो संशोधन, अब जैसे ही आपका संशोधन पढ़िए तो आपका जितने एविडेंस में संशोधन हुए हैं और उन संशोधनों द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। मैं बता दूं, चाहे वह BAPO हो, UPAPO हो, जे हो, आपका संशोधन से एक क्वेश्चन निश्चित बन रहा है। तो कौन कौन संशोधन किए गए, अब तक कितनी बार संशोधन एविडेंस में हुए हैं, उसकी पूरी लिस्ट मैं बता रहा हूँ। और प्रयास करिए कि लिख लीजिए उसमें जिस जिस राज्य में जो जो क्वेश्चन बना है, वह हम आपका बताते रहेंगे बीच में। तो जो एविडेंस में प्रथम बार अमेंडमेंट हुआ, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ही करके लिखा, प्रथम बार, सन याद रखिएगा 1938 में हुआ। अब इसके द्वारा किया क्या गया, तो इसके द्वारा हम लगातार बता रहे हैं कि जो सेक्शन आपका 2 है और इसी के साथ जो शेड्यूल था, अनुसूची थी, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया, निरसित किया गया। ये प्रथम संशोधन था एविडेंस में। अब आइए सेकेंड अमेंडमेंट, जहाँ तक इसकी लिस्ट बना लीजिए, जहाँ तक सेकेंड अमेंडमेंट की बात है, अर्थात जहाँ तक आपका ये दूसरे संशोधन की बात है, दूसरा संशोधन 1983 में किया गया। भाई कभी काल क्रम भी पूछा जाता है, क्रम से भी सतर्क रहना है, कौन कौन सन है। तो दूसरा आपका 1983 में किया गया। अब जो 1983 में दूसरी बार संशोधन किया गया, यहाँ से आपका कई क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसके द्वारा क्या किया गया, यानी कि इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। तो एविडेंस एक्ट में आपका 2
दो नए सेक्शन जोड़े गए और वो सेक्शन अभी तैयार कर लेना है। वह जो सेक्शन जोड़े गए, पहला सेक्शन था 114A जोड़ा गया और दूसरा जो सेक्शन था 113A जोड़ी गई। यानी कि दो सेक्शन आपका जोड़े गए और कौन कौन से सेक्शन है ये भी रट्टा मारना है, 114A और दूसरा आपका 113A, हिंदी में क क कहा जाता है। इसमें जो आपका पूछा जाता है, आपका वह ये पूछा जाता है मुख्य रूप से कि 113A में क्या है। पिछली बार बिहार में आया भी था और 114A तो लगातार आता रहता है, तो आपका जो क्वेश्चन बना है आपका उत्तराखंड में 113A में है क्या और ये धारा कब से लागू हुई। तो दोनों धाराएं अब एक एक लाइन देखिए। 114A आपका दुराचार के मामले में प्रिजम्पशन या उपधारणा की बात कहती है और 114A जोड़ने का मुख्य कारण एक केस था तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो तुकाराम का केस, अब भाई कोरिलेट करना शुरू करिए क्योंकि आपका प्रयास करिए कि पहली गेंद से क्या करिए, चौका छक्का मारना शुरू कर दीजिए, क्रैश कोर्स में यही नियम है। अब सात आठ क्वेश्चन इस पर मैं बना रहा हूँ, सात आठ क्वेश्चन एकदम रट्टा होना चाहिए, इसमें गलती होगी तो बाहर, और यहीं आपको अन्य लोगों से एक दो कदम आगे बढ़ाया गया। यही सब छोटी छोटी बातें। आपका 114A क्यों जोड़ा गया, पहला कारण तो तुकाराम का केस आया। तो तुकाराम का केस किससे संबंधित है, दुराचार से या कुकर्म से संबंधित है, और ये केस आया इसमें अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गया था और तत्पश्चात दुराचार के मामलों में प्रिजम्पशन के लिए 1983 ईस्वी में 114A जोड़ी गई। आपका याद रखिए तुकाराम के केस को उपनाम है मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। मथुरा जो थी लड़की का नाम था, ये उपनाम भी याद रखना है। अब 113A जो है ये आपका बिहार में भी पिछली बार अभी जे में पूछा गया था प्री में कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा किस सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन मिलाने के लिए आया था 113A में। अगर कोई स्त्री विवाहित है, 7 वर्ष के अंदर विवाह के आत्महत्या कर लेती है और ये दिखाया जाता है कि आत्महत्या के पहले क्रुएल्टी उसके साथ बरती गई थी, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा। तो बताइए सकेगा में आपका अब तथ्य की उपधारणा की विध की आगे हम बताएंगे, तथ्य की कि ये आत्महत्या परि यानी कि पति या उसके नातेदारों द्वारा ही दुष्प्रेरित की गई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 113A कब से लागू की गई, वह डेट याद रखिए, लिख लीजिए उसी पर। तो 113A आपका 25 दिसंबर 1983 से लागू की गई, 25 दिसंबर 1983। तीन चार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, याद रखिएगा कौन से डेट याद रखिए, 25 दिसंबर 1983। दूसरा संशोधन भी हो गया। अब तीसरा आइए, तीसरी बार जो एविडेंस एक्ट में एमेंड होता है वह आपका होता है 1984 में। तीसरी बार जो संशोधन हुआ है वह 1984 में संशोधन हुआ है और 1984 में एक सेक्शन जोड़ा गया 111A, यानी कि 111A जोड़ा गया। यह जो संशोधन जोड़ा गया था यह लागू हुआ 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 1984 से।
अब इसमें क्या है, जो भी सेक्शन आ रहा है एक एक लाइन मैं बताते जा रहा हूँ। इसमें आपका ये है कि डिस्टर्ब एरिया यानी कि विक्षुब्ध क्षेत्र या अशांत क्षेत्र, फिर एक बार समझिए, जब हम पुलिस एक्ट बताएंगे अशांत क्षेत्र के बारे में, आपका 15 इत्यादि सेक्शन, उस समय इस सेक्शन का पुनः हम जिक्र करेंगे और एविडेंस के इस सेक्शन को कोरिलेट करके ही पुलिस एक्ट को पढ़ाएंगे। लेकिन बस याद रखिए, तीसरी बार जो संशोधन हुआ 1984 में हुआ, एक सेक्शन जोड़ा गया एविडेंस में 111, ये जोड़ा गया विक्षुब्ध क्षेत्र के में अपराध करने के बारे में प्रिजम्पशन या उपधारणा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है और एक माह तक वह डिस्टर्ब एरिया घोषित था, इस दौरान कोई व्यक्ति हथियार के साथ आयुध के साथ उस इलाके में पाया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा, यह प्रिज्यूम किया जाएगा, यह उपधारणा की जाएगी कि यह व्यक्ति डिस्टर्बेंस करने में क्या था शामिल। अब विक्षुब्ध क्षेत्र कैसे घोषित होगा, कौन घोषित करेगी, ये आपका शुद्ध रूप से हमारा पुलिस एक्ट बताएगा और आगे हम बताएंगे, ये नहीं कि नहीं बताएंगे। अगला ये संशोधन 1984 के बाद जो चौथा संशोधन होता है 1986 में होता है, 1986 में होता है। इसमें जो मुख्य रूप से जोड़ी जाती हैं, आपका 113 भी जोड़ी जाती हैं, डावरी डेथ के बारे में या दहेज हत्या के बारे में उपधारणा, यानी कि अगर कोई विवाहित स्त्री है और उसका 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्राकृतिक या नेचुरल या स्वाभाविक नहीं है, और ये दिखाया जाता है कि मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई थी, तो ऐसी दशा में न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह जो मृत्यु है वह दहेज के लिए की गई है, यानी कि आपका डावरी डेथ के बारे में प्रिजम्पशन आपका किस सेक्शन में है, 113 बी में है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि ये धारा कब से लागू हुई, अर्थात ये संशोधन कब से लागू हुआ, तो वह डेट भी याद रखना है, 19/11/1986 यानी कि 19 नवंबर 1986 से, 19 यानी कि 1911/1986 डेट याद रखिएगा। 113 कब लागू हुई थी, 25 दिसंबर 1983, 113 बी कब लागू हुई, तो आपका 19 नवंबर 1986। फिर एक बार बताइए, 113 कब जोड़ी गई 1983 में, 113 बी कब जोड़ी गई 1986 में, आगे तो बताया जाएगा। इसके बाद आपका अगला संशोधन आता है यानी कि पांचवा संशोधन आता है, सन 2000 में आता है, और 2000 का देखिए संशोधन, यहाँ से भी आपका 2015 यूपी एपीओ में क्वेश्चन बना है, जे में भी बना है, सन 2000 के संशोधन को आपका, इधर के दो तीन संशोधनों को अच्छे से तैयार करना है, और सन 2000 का जो संशोधन है वह पांचवी बार एविडेंस में संशोधन अब होगा, ईयर याद रखिए सन 2000। तो क्वेश्चन का मॉडल अब देखिए, चार पांच मॉडल याद रखिएगा अच्छे से। पहला मॉडल ये बना है कि सबसे व्यापक संशोधन आपका एविडेंस एक्ट में किस सन में किया गया, उसको लिख लीजिए,
सबसे व्यापक सबसे ज्यादा संशोधन किस सन में किया गया? तो सन 2000, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो देखना है, दूसरा क्वेश्चन इस पर जो देखना है कि मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है? लिखिए मिनी एविडेंस, ऐसा क्वेश्चन बिहार बनाया है। मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है? तो वह जो अमेंडमेंट है आपका सन 2000 का संशोधन है बिहार एपीओ में, ऐसा क्वेश्चन संविधान में जाकर बनाया। और संविधान में ये बनाया कि मिनी संविधान किस संशोधन को संविधान में कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा हुए थे? 42वें द्वारा, 42वें द्वारा। तो मिनी संविधान किसे कहा जाएगा? 42वें को। अब पूछ दे कि मिनी एविडेंस कौन सा संशोधन एविडेंस का है, पांचवा, किस सन में किया गया? 2000 में। सबसे ज्यादा संशोधन किस सन में? सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, किस कानून के तहत किया गया? तो आईटी एक्ट। फिर एक बार देखिए, अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, शॉर्टकट में आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। अब अगला क्वेश्चन इस पर बना है आपका ये कि किन किन कानूनों में आईटी एक्ट द्वारा संशोधन किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका जे और एपीओ में आ चुका है भाई। कानून याद रखिए, दिया था आईपीसी में, एविडेंस में, सीआरपीसी में, उपर्युक्त सभी में, तो सभी मार कर आइए। यानी कि आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा एविडेंस में भी संशोधन किया गया, आईपीसी में भी किया गया और सीआरपीसी में, तीनों मार कर आना है, पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यूपीएफपीओ 2015 का है कि ये संशोधन किस तारीख को लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को, यानी कि इन्फोर्समेंट डेट क्या थी? ये 2015 यूपीएफपीओ में आया, तो 17 अक्टूबर सन 2000 भाई याद रखिएगा, किस तारीख को लागू हुआ? ये रट्टा मारना है और कोई उपाय नहीं है, समझाया नहीं जा सकता। 17 अक्टूबर सन 2000। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया जाए कि 2000 के संशोधन द्वारा किसको मान्यता दी गई? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, लिख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों अभिलेख को मान्यता दी गई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, याद हिंदी में अभिलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हो सकता है कि आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मान्यता कानूनी तौर पर सर्वप्रथम किस संशोधन द्वारा दी गई? तो सन 2000। अब आइए 2002, 2000 के बाद जो छठवां संशोधन होता है वह 2002 में होता है। अब 2002 आ जाइए, 2002 में आपका ये छठवां संशोधन है, और इस संशोधन का जो आपका कारण था वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक निर्णय था। तो फिर याद रखिए भाई, जो दुराचार के मामलों में संशोधन किया गया, वह मैं बताया था तुकाराम। अब याद रखिए 114A किस कारण किया गया? तुकाराम। तो आइए 2002 का जो अमेंडमेंट किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया, वह आपका केस है, कह सकते हैं गुरमीत कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। गुरमीत कौर, गुरमीत कौर, गुरमीत कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया,
सन 2000 का केस आया और आपका जस्टिस थे आदर्श सेन आनंद। जज का नाम था आदर्श सेन आनंद। सन 2000 में एक केस आया था। देखिए इसमें आपका होता क्या था, इतिहास और आगे भी बढ़ना है। इसमें आपका ये होता था कि अगर दुराचार की शिकार महिला है, मुकदमा चलता था, तो जो आपका एक्यूज्ड या अभियुक्त था वह अपना बचाव लिया, और बचाव ये लिया कि हजूर ये बेस्या है, बेस्या वाला मामला भी कहा जाता है, बेस्या वाला मामला, ये हैबिचुअल है, ये आदतन है, ये बेस्या है, इसका काम ही यही है आपका पैसा कमाना इस आधार पर। तो ऐसी दशा में जो ये बयान दी है इसके बयान पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि ये क्या है, वेश्या है। तत्पश्चात आपका फिर कानून में बदलाव लाया गया और सन 2002 में लाया गया, और सबसे पहले आपका A146 का परंतु जोड़ा गया और 155 का क्लाज 4 हटा दिया गया। अभी हम लिखवा दे रहे हैं इसको, इतिहास चलना है। यानी कि 146 का एविडेंस में एक प्रोविजो जोड़ा गया और कहा गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी स्त्री से उसके करेक्टर पर अटैक तो किया जा सकता है, लेकिन क्या वह ये धंधा करके कमाती है या क्या वह इसमें रत रहती है, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। भाई ये क्वेश्चन अब पूछना क्या कर दिया गया, बाट कर दिया गया। 146 के परंतु पर पहले आइए, तब आपका 2002 का संशोधन बताया जाएगा, क्योंकि बिहार एपीओ में भी अभी आया था और पूरा चांस है। जब भी आपका 146 का परंतु पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा, तीन संशोधन आप पढ़ेंगे, एक 2002 का संशोधन, दूसरा 2013 का, और तीसरा आपका 2018 का। तो बिहार एपीओ में ही आया कि एविडेंस की किस धारा में 2018 में एमेंड किया गया, 146 के प्रोविजो में। कब 146 का परंतु कब जोड़ा गया, रटिए, 2002 में। कब प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिस्थापित मतलब कि नए सिरे से उसको लिखा गया, कब लिखा गया, 2013। और थोड़ा बहुत संशोधन का कब किया गया, आपका 2000 आपका 18 में। तो हम इसको अलग से बताएंगे, इसको अलग से थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, तीनों का रीजन बताना पड़ेगा, केवल ऐसे नहीं क्या किया गया। लेकिन आइए आपका 2002 का संशोधन निपटाया जाए। इसमें 146 धारा में एक प्रोविजो या परंतु जोड़ा गया और किसी स्त्री से प्रत परीक्षा में उसके अनैतिक चरित्र इमोरल करेक्टर के बारे में कोई आपका क्वेश्चन अब नहीं किया जाएगा, यानी कि अब क्वेश्चन करने पर बार वकील साहब को रोक दिया गया कि आप स्त्री के करेक्टर पर अटैक तो करिए, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि क्या तुम वेश्यावृत्ति करके कमाती हो या खाती हो। ये क्वेश्चन पूछने पर पूरी तरह क्या लगा दी गई, रोक। तब अब कांड हुआ आपका निर्भया कांड, तो आगे बताया जाएगा वो 146 का परंतु। इसके बाद आपका विश्वसनीयता पर आक्षेप किया जाता है, उसमें 155 भी है, किसी गवाह की विश्वसनीयता पर हम क्या करेंगे अटैक। तो 155 का जो खंड 4 था उसे 2002 में क्या किया गया, रिपील। तो 2002 में किया क्या गया, फिर एक बार लास्ट में देखिए तो आगे बढ़ा जाए। 146 का प्रोविजो जोड़ा गया और 155 का क्लाज 4 को क्या किया गया, रिपील, यानी कि समाप्त। 2002 के बाद आ जाइए
आप 2005 आ जाइए, ये कब था, छठवां था ना संशोधन, मैंने अब सातवां चलेगा ना, क्रम भी याद रखे भाई, सातवां संशोधन हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये संशोधन हुआ 2000, आपका 5 में हुआ, इसमें आपका 154 सेक्शन में परिवर्तन संशोधन किया गया था, यानी कि सातवें संशोधन द्वारा 154 में संशोधन किया गया। 154 में है क्या, 154 में होस्टाइल वीटनेस है। होस्टाइल वीटनेस का मतलब ये हुआ पक्षद्रोही साक्षी। अब क्वेश्चन जो बनता है कि पक्षद्रोही साक्षी किसे कहा जाता है, तो भाई एक लाइन याद करिए प्री के लिए और कुछ नहीं, जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है, यानी कि जो साक्षी, जो विटनेस ट्रू बोलने का इच्छुक नहीं है। अब यह नहीं कि पंचौरा दिया रहेगा चार देखेगा, एक शब्द केवल पकड़िए ताकि वही रट्टा मारिए, और कुछ नहीं, ऑप्शन देखना है, चार में यही खोदना है कि कहाँ दिया गया कि जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो उसी को हम क्या कहेंगे, पक्षद्रोही साक्षी। केवल एक सेक्शन में संशोधन हुआ था 2005 में, और यह संशोधन लागू हुआ आपका, लिख लीजिए, 16/4 आपका 2006, यानी कि 16 अप्रैल 2006 से लागू हुआ, 16 अप्रैल 2006 से। सातवां हो गया, तो आठवां संशोधन देखा जाए, आठवां संशोधन होता है सन 2008 में, 2008 में। इसके द्वारा तमाम धाराएं जोड़ी गई, उतना बताना संभव नहीं है। अंकीय हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल साइन, लिख लीजिए, 2008 में होता है अगला संशोधन, आठवां है ना ये, आठवां 2008 में। इसके द्वारा किसको मान्यता दी गई, तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, अंकीय हस्ताक्षर हिंदी में कहते हैं, अंकीय हस्ताक्षर को मान्यता दी गई 2008 के बाद। अब दो संशोधन लास्ट में अब बचते हैं, 2013 और 2018। 2013 से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 2018 से भी आ रहा है, इसका इतिहास भी बताना पड़ेगा चूंकि समय भी हो गया है, तो इसका इतिहास, चूंकि इतिहास सहित थोड़ा बताना है क्योंकि इतिहास रहित काम नहीं करता ये, इतिहास सहित और जहाँ जहाँ ये संशोधन हुए हैं, प्रयास करिए अब कल से रट्टा मार कर आने का, पूछा भी जाएगा और